अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम विवादों में घिरा हुआ है। इसी बीच शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को UGC नेट परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। इन दोनों परीक्षाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। छात्रों के भविष्य का हवाला देते हुए गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार को घेरने के साथ ही व्यक्तिगत तौर प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नीट पेपर और UGC नेट के पेपर लीक हुए हैं। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी है। इसराइल और गाज़ा की लड़ाई को भी नरेंद्र मोदी ने रोक दिया था, लेकिन किसी न किसी कारण देश में जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं रोक पा रहे हैं या फिर रोकना नहीं चाहते हैं। नीट और UGC नेट परीक्षा विवादों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। उन्होंने बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि जिसने भी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर लीक कराया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दावा किया कि देश के शिक्षण संस्थानों पर भाजपा और संघ से जुड़े लोगों ने कब्जा कर लिया है। जब तक इस चीज़ में नहीं बदलाव किया जाएगा पेपर लीक होना बंद नहीं होंगे। BJP और संघ पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग हर पोस्ट पर अपने ही लोगों को बिठाते हैं। इस सिस्टम को हमें रिवर्स करना होगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई करने के साथ ही पेपर लीक रोकने के लिए सिस्टम को रीडिज़ाइन कराया जाएगा। विपक्ष दबाव डालकर सरकार को ये दो कदम करने की कोशिश देगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले में से ये सरकार पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हजारों छात्रों ने पेपर लीक की शिकायत की थी। अब देश में नीट और नेट के पेपर भी लीक हुए हैं। पेपर लीक एक एंटी नेशनल गतिविधि है क्योंकि इससे युवाओं को ज़बरदस्त चोट पहुंचती है। छात्रों पर बहुत ज़्यादा दबाव है, उनको बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है, छात्रों के लिए बहुत कम अवसर हैं, युवाओं के पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ गंभीर राष्ट्रीय संकट है, इसलिए पेपर लीक के जिम्मेदारों को पकड़ा जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।